हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। गाइस, हम बात करने वाले हैं आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में सिंपल सिंपल इजी तरीके आपको मिस्टेक करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की में डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइज, हमारा एक ऑप्शन 3 बिंदी का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग आ रही है, सेटिंग पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कॉलिंग आईडी एंड टेस्टमेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ है तो आपको इसे ऑन कर देना। तो कहीं से हम बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन हमारा मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अनकाउंट, तो आपको इससे क्लिक कर देना। इससे क्या होता है, आपके जो फ़ोन में नंबर सेफ कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है तो आपके वो कॉन्टैक्ट से ब्लॉक हो जाएंगे, उनसे ना कोई कॉल ना आपको कोई SMS मिलेगा। आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की कॉल करना, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐड ए नंबर पे नंबर डाल देना अपना कोई भी, जो आपको अपनी कॉल ब्लॉक करनी है जिसकी, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉक कर देना। ब्लॉक करने के बाद इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल ब्लॉक कर सकते हो। तो गाइस, बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है यहाँ पर कॉलिंग का, तो कॉलिंग पे कॉलिंग अकाउंट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है PID। तो गाइस, पहला फोल्डर है मतलब पहले वाईफाई कॉलिंग। आप चाहते हैं आप अपने फ़ोन से अपनी वाईफाई कॉलिंग कर सकें, तो आपको वाईफाई कॉलिंग कनेक्ट करके आप अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। फिर टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग, आप अपने फ़ोन में अपने वीडियो कॉल डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ कर देना। तो गाइस, हम अपने फ़ोन में अपनी वीडियो कॉल डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इसे ऑन कर देना है। यहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड, आपको अपने किसी नंबर की कॉल किसी फ़ोन पे लेनी है तो आपको इस तरीके से यहाँ कॉल फॉरवर्ड करना है। तो गाइस, इस बार एक गन पे वेक आ जाते हैं। तो वेक आने के बाद गाइस, इस तरीके से एक बार वेक और आ जाते हैं, तो हमारे नेविगेशन इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, आप वो चाहते हैं फर्स्ट नेम से शुरू या नाम लिस्ट, तो आपको अपने अगर सुरनेम से मतलब लास्ट नेम से शुरू करना है तो आपको सुरनेम पर करना है इस तरीके से, और आपको अगर फर्स्ट नेम से शुरू करना है तो आपको फर्स्ट पर क्लिक कर देना। तो गाइस, एक बार फिर वेक आ जाते हैं। वेक आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो गाइस, हमारे इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए, तो आपको एडवाइस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको अपने कोई भी साउंड की रिंगटोन चेंज करनी है, जिसकी रिंगटोन वॉल्यूम को आप बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। कॉल ब्लॉक भी बदल सकते हैं, रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन अलार्म भी, और अलार्म की भी टोन चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, आपको जिस चीज़ की टोन चेंज करनी है तो आप इस तरीके से अपने कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने साउंड रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, दूसरा ऑप्शन एक और मिल जाता है हमें देखने के लिए, हमारा ऑप्शन है वॉइस मेल, तो हम इस वॉइस मेल पर क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पर नॉट एडवांस इस सेटअप पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस पर सेटअप पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अगर आपको अपने वॉइस मेल भेजनी है किसी को, तो आपको उसका नंबर डाल के आपको इस तरीके से इसे यहाँ ओके कर देना, तो आपकी कॉल वॉइस पहुँच जाएगी। अगर आपको अपने फ़ोन में लेटर भेजना किसी को, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। आप अपने फ़ोन में अपना लेटर भी भेज सकते हैं। तो गाइस, बैक आ जाते हैं। एक बार बैक आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है हमारा, तो हमारा है फ्लिप टू साइलेंट, तो हमें इस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर देने का अब आपके फ़ोन में, अगर ये हमारे फ़ोन में ऑन है इस तरीके, तो हमने बंद कर रखा है। तो गाइस, फ्लिप टू साइलेंट से क्या होता है, इसे ऑन करने से हमारे फ़ोन में कॉल आती है तो हम इसे बैक कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं फ़ोन को, तो हमारा फ़ोन खुद ब खुद साइलेंट हो जाता है। तो गाइस, ये रही हमारी कॉल सेटिंग की वीडियो। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।